कर्णी सेना मूल ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया घेराव। सेवानिवृत्त सेना के जवान के साथ मारपीट कर प्रकरण दर्ज करने के विरोध में किया प्रदर्शन। माधवनगर थाने में हुआ था प्रकरण दर्ज। मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। गुरुवार दोपहर कर्णी सेना मूल द्वारा उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की वजह सेवानिवृत्त सेना के जवान से मारपीट कर प्रकरण दर्ज करना बताया जा रहा है। दरअसल मामला यह है कि उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने पुलिस अभद्रता की बात पर आरबी के सेवानिवृत्त जवान के साथ मारपीट की थी और इसी के साथ प्रकरण भी दर्ज किया था। वही प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद से ही कर्णी सेना द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध के बाद भी उज्जैन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज कर्णी सेना द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। वही मामले को लेकर कर्णी सेना का आरोप है कि पुलिस गिरफ्त में पुलिस अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त आर्मी के जवान को बेरहमी से मारा गया। इसलिए हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे सैन्य कर्मी हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और हम सब की रक्षा के लिए दिन रात वहाँ पे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वो वहाँ पे बॉर्डर पे काटते हैं, और उनके लिए अगर जो उनके साथ में हमारे देश में ऐसी कोई घटना घटती है तो हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये पुलिस कर्मियों ने उनके साथ में अभद्रता की, उनके साथ में मारपीट करी, उन्हें थाने के अंदर बिठा के रखा और थाने के अंदर उनके साथ में दारू पी पी के और मारपीट करी। और जो पुलिस कर्मी थे वो नशे में थे और नशे में ही उन्होंने इनको रास्ते में भी रोका था। कौन पुलिस कर्मी है? महेंद्र मकाशे व नगर पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा, एसआई प्रेम मालवी, ऐसे अन्य 3-4 पुलिस कर्मी है। जो दोषी पुलिस कर्मी है उन सबके ऊपर उनको पहले तो सस्पेंड किया जाए ताकि वो जो भी कार्रवाई हो उसको बाधित ना कर सके, और उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई शासन प्रशासन करे। अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतले का हर शहर में कर्णी सेना पुतला दहन करेगी।